नमस्कार, आप देखिए नीट न्यूज ब्रेकिंग न्यूज बलिया। श्रीमद भागवत कथा ज्ञान यज्ञ अगले साल भी होगा। श्याम बाबू रोनियार नगर अध्यक्ष व्यापार मंडल नेता भाजपा बलिया यूपी उद्दीप ज्योति जागरण संस्थान द्वारा रामलीला मैदान बलिया उत्तर प्रदेश में दिनांक 14 मार्च से 20 मार्च तक श्रीमद भागवत कथा ज्ञान यज्ञ विशाल आयोजन किया जा रहा है। श्याम बाबू रोनियार नगर अध्यक्ष व्यापार मंडल नेता भाजपा बलिया यूपी ने बताया कि भागवताचार्य महामुनीश्वर विदुषी सुश्री पद्मा हस्त भारती जी व रुक्मिणी इस प्रसंग का उल्लेख किया। मेरा नाम श्याम बाबू रोनियार है। मैं व्यापार मंडल से बिलोंग करता हूँ, नगर अध्यक्ष हूँ बलिया नगर का। जी, हम आपसे जानना चाहते हैं आज कार्यक्रम चला रहा है एक हफ्ते से, इसकी विषय में जानकारी दीजिए। ये हम जो है विगत दो तीन वर्षों से मैं इस संस्था से जुड़ा हूँ, और जब से मैं गोरखपुर कार्यक्रम देखा उसके बाद मुझे संयोग से नूर महल संस्था का आश्रम में जाना पड़ा। वहाँ का कार्यक्रम, वहाँ की व्यवस्था, वहाँ का सिस्टम देखने से हमको लगा कि हम क्यों ना बलिया में इस तरह का सिस्टम बलिया में आए तो हमारे नगरवासी, हमारे शहर के लोग इससे लाभान्वित हों। तो बहुत दिनों से मैं प्रयासरत था, संयोग से मुझे स्वामी जी से कहते कहते बहुत मुश्किल से ये कार्यक्रम हमको मिला, और मुझे बहुत खुशी हुआ इस कार्यक्रम को बलिया में ला के। जी, स्वामी जी का कहना है ये मुख्य आपकी भूमिका रही कार्यक्रम को लाने के लिए। जी, तो ईश्वर की कृपा है, भूमिका क्या है, मैं एक कार्यकर्ता के हैसियत से बलिया को कुछ सेवा देना चाहता था कि बलिया के लोग भी इससे जागरूक हो। ज्ञान दीक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिससे लोगों को सारी परेशानियों का हल हमने खुद हम अपने ऊपर लागू हुआ है, मेरे हुआ इसको महसूस किया है मैंने कि लोगों का समस्या का समाधान सिर्फ ब्रह्म ज्ञान से ही है, और कोई ऐसी संस्था नहीं है, कोई ऐसा प्रोग्राम किसी कंपनी किसी का नहीं है कि जो इस तरह का व्यवस्था हो। क्या इसमें कोरोना वायरस को लेकर क्या कुछ बताया गया? तो कल भी बताया गया था, कंपनी है वहाँ संस्था से डागनूर वहाँ से डॉक्टर साहब आए थे और इसके बारे में काफ़ी जो है लोगों को जागरूक किए, काफ़ी अच्छे है उसके बारे में किस तरह से रोकथाम हो, किस तरह से फैले नहीं, इसके बारे में हमारे नूर महल से स्पेशल डॉक्टर को बुलाए थे संस्था के द्वारा, और उन्होंने काफ़ी अच्छा लोगों को जागरूक करने में सहयोग किया अपना बताया। जी, क्या आपकी भूमिका भी रहेगी पुनः इस तरह कार्यक्रम करने के लिए? जी, एकदम उससे बढ़ चढ़ के हिस्सा रहेगा मेरा, और हमारे साथ तो पहले हम लोग कुछ लोग ही थे, अब तो इस समय हमारे 100 से 150-200 लोग ब्रह्म ज्ञान भी ले लिए हैं, वो हमारे परिवार के सदस्य हो गए हैं। एक बलिया नगर पूरा जो जिस उत्सव के साथ इस कार्यक्रम को सब लोग इंजॉय किए हैं, फायदा उठाए हैं, अच्छा लोगों को लगा है, अगले साल लोग अभी से होने लगा कि अगले साल का कार्यक्रम अभी से मिल जाए, अभी से लोगों को मन में आने लगा।